गुरु जी वो गुरु लोग है, सही है कि नहीं? हेलो, सही कि नहीं? सही है कि नहीं? सही है, वो गुरु लोग है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम आज यहाँ है, सही है कि नहीं? मेरा जो गुरु जी थे वो मेरे पिताजी के दोस्त थे। मेरे पिताजी के दिमाग में वो घुसा दिए थे कि देख तेरा बच्चे को अगर आदमी बनाना है तो LIC की एजेंसी दिला दे उसको। मगर मेरे दिमाग में दूसरा कुछ घुसा हुआ था, मेरे दिमाग में दूसरा ये घुसा हुआ था कि आज की तारीख में LIC में एजेंसी लेता कौन है? साला दूसरा, जिसको दूसरा धंधा कुछ नहीं मिलता LIC में आ जाता एजेंसी लेने के लिए। बिना LIC एजेंट बन के अगर किसी का घर को जाते हैं, कम से कम बिठा के एक कप चाय तो पिलाता है। अगर LIC एजेंट बन के किसी के घर को जाए, अरे चाय पिलाना तो दूध पिछवाड़े से देख लिया कि साला संपत्ति आ रहा है, दरवाजा तक खोलेगा नहीं। अगर गलती से दरवाजा खोल भी दिया, खुद भी आएगा नहीं, अपना बच्चे को भेज देगा, बच्चे को ये सिखा के भेजेगा कि जा बेटा बोल दे पापा बोला पापा नहीं है। हाँ, ये सब हो रहा है आपके साथ? आवाज नहीं आया? हो रहा है? फिर मुंडीला हो रहा है? अभी लोग आपको देख के छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, तब तो आप सही रास्ते पे। अगर ये सब नहीं हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब है आप निकम्मा है, घर से निकलते नहीं है, क्योंकि धंधा ही ऐसा है। लोग छुपेंगे, भागेंगे, कोई बोलेगा मेरे को पता है बेनिफिट कितना मिलेगा, जब जरूरत होगा तब तभी बोलेगा, है कि नहीं? तो ये सब मेरे दिमाग में था, इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता था LIC में एजेंसी लेने के लिए। मगर पिताजी का डर था मारेगा। हर रोज रात को खाने के टाइम पे मेरे को पूछा करते थे कि तू, मेरे को बोले थे तू नायक जी का घर को जाना, मेरे गुरु जी का नाम था नायक जी का घर को जाना, उनसे LIC की एजेंसी लेके आना। और हर रोज रात को खाने के टाइम पे मेरे को पूछते थे तू नायक जी का घर को गया था? मैं साफ झूठ बोलता था, हाँ गया था। एजेंसी ले लिया? मैं बोला नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कि दूसरा झूठ बोलता था। मैं तो नायक जी का घर को गया था, मगर नायक जी तो घर में नहीं थे। थोड़े दिन के बाद पिताजी को पता चल गया कि मेरा बेटा झूठ बोल रहा है। उन्होंने क्या किया, नायक जी को बोल दिया कि नायक जी आप हमारे घर को आ जाओ। और रात को मेरे को बोला देख मैं नायक जी को बोल दिया हूँ, वो कल हमारा घर आएंगे, तुमको घर में रहना है और उनसे एजेंसी ले लेना है। मैं सोचा साला दूसरा मुसीबत है, इसे कैसे भागूंगा। और मेरे को एजेंसी देने के लिए मेरे गुरु जी ने मेरे घर को 25 बार आए थे, 25 बार, और 24 बार मैं उनसे छुपके भागी थी। उनके पास एक बुलेट था, बुलेट का आवाज मेरा कान पे लगा, चला पिछला दरवाजा खोल के भागा। 24 बार भागा, पर 25वां बार भाग नहीं पाया। 25वां बार इसलिए भाग नहीं पाया क्योंकि 25वां बार वो साला बिना बुलेट के पैदल ही आ गए थे मेरे घर पे। सब लोग हंस रहे, ऐसा करके सब एजेंसी लिए थे। मेरे को पकड़ लिया, बाप मारेगा घर में, साइन कर दिया। और साइन करने का टाइम पे सोच रहा था बेचारा सतपतिया फंस गया। साइन करने का टाइम पे सोच रहा था बेचारा सतपतिया फंस गया, मगर आज सोच रहा हूं उस दिन फंस गया था बोल के आज आनंद नगर में आप लोग के सामने खड़ा हूं। उस दिन फंस गया था बोल के आज आनंद नगर में आपके साथ खड़ा हूं। उस दिन फंस गया था बोल के आज हिंदुस्तान में लगभग 23 से 24 स्टेट में हम घूम घूमकर प्रोग्राम कर रहे हैं। और इंडिया के कम से कम 65 से 70 डिवीजन में हमारा प्रोग्राम चल रहा है। कई कई जगह में मेरे को तो SDM रिसीव करने के लिए आते हैं, एयरपोर्ट को भी, रेलवे स्टेशन को, इतना दम है LIC एजेंसी में, इतना दम है। और हम लोग अभी एजेंट लोग का भी ट्रेनिंग करते हैं, DO लोग का भी ट्रेनिंग करते हैं पूरे हिंदुस्तान में। ये दम है LIC एजेंसी। अगर आप को उसका फल नहीं मिल रहा है, ये साला कॉन्शियस माइंड ही ऐसा करा रहा है। एक बार उसको आपने कंट्रोल में ले लिया तो आप ही करा, याद रखिए। एजेंसी तो मैं ले लिया, एजेंसी लेने का दिन से
छह महीना तक